लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटों के बाद आरएसएस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आरएसएस के नेता मोहन भागवत के बाद अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इंद्रेश कुमार ने कहा, राम सबके साथ न्याय करते हैं। और आगे इंद्रेश ने बीजेपी के संदर्भ में कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन वो अहंकारी हो गए, उसे 241 पर रोक दिया गया, लेकिन उसे सबसे बड़ी पार्टी भी बना दिया गया। और आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से इंडिया ब्लॉक का जिक्र करते हुए कहा कि जिन्होंने राम की कोई आस्था नहीं की उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। उन्होंने आगे कहा, लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे वो अहंकारी हो गए, वो सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी लेकिन जो वोट और जो ताकत उनको मिलनी चाहिए थी वो भगवान ने उनके अहंकार के कारण रोक दी। ये बयान तब आया जब कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा को बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। इसी के साथ उन्होंने सरकार को मणिपुर की तरफ भी ध्यान देने का सुझाव दिया और कहा कि मणिपुर में यह सब शांत करना होगा। फिलहाल जो आरएसएस और बीजेपी की जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो अब खुलकर सामने भी आने लगी है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स खोला है, आप उसमें अपनी राय रखकर भेज सकते हैं।